राजकर्मी को दर्जा देना होगा, राजकर्मी का दर्जा देना होगा, राजकर्मी का दर्जा देना होगा। आवाज तो हमें एक है, आवाज तो हमें एक है। धरना प्रदर्शन सत्याग्रह आंदोलन। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना के निर्देशानुसार दिनांक 22 मई 2023 समय 12 बजे दिन से 4 बजे शाम तक समाहरणालय के समक्ष धरना कार्यक्रम आयोजित सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यह बिहार अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन है और यह तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार ने हमारी मांगे राजकर्मी का दर्जा न दे दे। साथ साथ अध्यक्ष मोहम्मद नूर आलम एवं राज्य कार्यकारिणी पवन कुमार भगत सरकार की वादा खिलाफी का आरोप लगाया एवं बहुत सारे शिक्षक पदाधिकारी ने सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रखा। धरना पर उपस्थित मनोज कुमार शर्मा, उदय कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार, प्रवीण कुमार, शशि रंजन, संतोष कुमार राय, ददन कुमार सिंह, सुमन कुमार सिंह, सुधीर कुमार मिश्रा, प्रवीण कुमार सिंह, चंद्रकांत गौतम, गौतम कुमार आदि शिक्षक धरना स्थल पर मौजूद थे। काम नहीं कर रही है और जेंडर बिल्कुल बदलते जा रही है। दुख की बात है कि 2003 से लेकर कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे? देखिए, अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 सरकार लाई है बिहार में, उसको लेकर बिहार माध्यमिक उसके खिलाफ में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना उस नियमावली के विरोध में, जिसको हम लोग शिक्षा शिक्षक विरोधी मानते हैं, उस नियमावली के विरोध में राज्य संघ के आह्वान पर आज से 22 मई से ये समर वेकेशन की जो छुट्टी होगी तब तक लगातार जिला मुख्यालयों में ये इस नई नियमावली के विरोध में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन होना है, सत्याग्रह। हम लोग का अभी अन्य मांगों के साथ साथ एक यही मजबूत मांग है कि पहले आप जो राजकर्मी का दर्जा का मामला है उसको बिना शर्त बिना एग्जाम का राजकर्मी दर्जा घोषित करिए। उसके बाद राजकर्मी का दर्जा में जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दिए जाने की मामला है, जो प्रावधान है वो दीजिए। क्या मांगे? हमारी मांग है कि बिना शर्त, कोई बिना परीक्षा लिए हमें राजकर्मी का दर्जा सरकार दे दे, क्योंकि हम सब दस्ता पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं और लगभग 17-20 साल से जॉब में कर आए हैं और सारे जो भी मापदंड है सब पूरा कर लिए, इसीलिए हमें राजकर्मी का दर्जा हमको चाहिए। वो पहले से हम लोग की मांग है, बहुत पहले से मांग है, शुरू से मांग है। एग्जाम देने परेशानी क्या है? एग्जाम देने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम तो एग्जाम दे के आए हैं ना। हम तो एग्जाम परीक्षा लिए हैं, सात पत्रता दस्ता परीक्षा तो हमसे ले लिए हैं, तो फिर कौन सी परीक्षा लेना चाह रहे हैं सरकार? हमारा तो मांग है कि हमको राजकर्मी चाहिए, जबकि हमको सब मापदंड हम पूरा किए हैं, तो परीक्षा किस चीज का परीक्षा लेना चाह रही है सरकार? क्या नाम हो? मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान, जिला सचिव। थैंक यू, बताइए। वर्तमान सरकार शिक्षकों के साथ ठगी का काम किया है शुरू से। 2020 में जब हम आंदोलन रखे तो उन्होंने नियमावली बनाया, स्थानांतरण ये वो काफी कह के, और अब उस नियमावली को भूल गया, उस नियमावली को ही जो सुविधा था भूल गया। अब नई नियमावली ला दिया है 2023, जो शिक्षक अध्यापक नियमावली, सिर्फ BPSC से परीक्षा दीजिए। 16-17 साल से जो काम कर रहा है, दो प्रमोशन का दावेदार, 10 साल के बाद एक प्रमोशन का दावेदार शिक्षकों को, वो प्रमोशन मिलने के समय जब आया तो कहता है कि आप BPSC का परीक्षा दीजिए और चाइनीज वेतन मान लीजिए। किसी को भी वो ये नहीं कह रहा है कि शिक्षक का वेतन मान देंगे। रे आठवीं पास उप मुख्यमंत्री, रे ठग मुख्यमंत्री, तुम बिहार को ठगे हो। अभी केजरीवाल के पास बैठ के मीटिंग कर रहा था, अरे कुछ सीख के आया होता, कुछ सीख के आया होता कि वहाँ का शिक्षक को कितना सम्मान मिल रहा है, लेकिन तू वहाँ सीख के आएगा, यहाँ भूल जाएगा, बिहारी को ठगेगा। यहाँ ठगने की बात है, गरीब के बाल बच्चा को पढ़ाते हैं,
हम वैसे शिक्षक हैं जो खाना पीना भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, सारा चीज देते हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला सरकार नहीं है। कौन सुनेगा? हम समाज के लिए काम करते हैं, ना समाज का लोग समझता है और न सरकार समझती है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि अविलंब इस नियमावली को वापस लिया जाए और हम शिक्षकों को वाजिब हक दे के वेतनमान समान काम का समान दाम दीजिए और हमें प्रमोशन दीजिए। परीक्षा हम लोग दक्षता पास किए, हम लोग कंपिटेंट आदमी हैं। आपको लेनी है तो बड़ी से बड़ी परीक्षा लीजिए और कहिए कि आपको जितना आप पुराने लोगों को मिल रहा है उतना हम देंगे, हम देंगे एग्जाम। परीक्षा सर, मेरा नाम ददन कुमार सिंह, माध्यमिक शिक्षक संघ।